So my skin went from this to this and I am very much happy with the results. Hi everyone, welcome back to my channel. तो मैं आज आपके लिए और एक वीडियो लेके आई हूँ. तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं एक स्किन ट्रीटमेंट कराऊंगी जिससे मेरी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो और जो स्किन की टेक्स्चर है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाए. तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, बहुत सारी रिसर्च की और फाइनली मैं डिसीजन पे आ चुकी हूँ कि मैं एक केमिकल पील करवाऊंगी. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं केमिकल पील करवा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ये पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड किया जाए. केमिकल पील में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो स्किन की अपर लेयर है वो जो है वो रिमूव हो जाती है, पील हो जाती है आपकी अपर लेयर, और जो आपके अंदर की फ्रेश लेयर है वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है. इस प्रोसेस में लाइक 50-70% आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो चली जाती है और आपकी स्किन टेक्स्चर इम्प्रूव हो जाती है. स्किन टेक्स्चर इन द सेंस आपके ओपन पोर्स, एक्ने स्कार्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स सारे लाइक 30-40% इम्प्रूव हो जाते हैं. तो मैं कल ही डॉक्टर से कंसल्ट करके आ चुकी थी, तो आज बस मैं वो पील करवाने जाऊंगी. और उन्होंने बोला कि ये 6 days का प्रोसेस है, 6 days में कुछ नहीं कर पाऊंगी, लाइक नो मेकअप, नो गोइंग आउट इन सन, नो कुकिंग, नो वर्कआउट, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी. सिर्फ मुझे घर पे बैठ के आराम करना है और स्किन को पैम्पर करना है, फेस वॉश यूज़ करना है, सनस्क्रीन लगाना है और मॉइस्चराइज़र लगाना है. इवन मैं हेयर वॉश भी नहीं कर सकती क्योंकि वो बोल रहे थे आपकी स्कैल्फ की डर्ट होती है वो अगर आपकी स्किन पे आएगी तो वो इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो टाइम वो पील करवाने के आने के बाद मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी. तो मुझे मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम UVA रेज और UVB रेज. थ्रू आउट द वीक मुझे पैम्पर करना है, लाइक मैं कोई शूट भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी स्किन थ्रू आउट द वीक ऐसी थोड़ी 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 पील होती रहेगी, लाइक हील होती रहेगी. वो पूरा एक हीलिंग प्रोसेस है 6 days का, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. अबाउट माई स्किन टेक्स्चर, लाइक मुझे यहाँ पे अगर आप देखोगे फोरहेड पे तो एक क्लियर पैच है पिगमेंटेशन का. लाइक मैं बहुत ज़्यादा बाहर घूमती हूँ, ट्रैकिंग के लिए जाती हूँ, स्कूटी पे घूमती हूँ, तो इसके लिए ये एक पैच बन चुका है. और उसके अलावा मुझे ये माउथ एरिया पे भी पिगमेंटेशंस है और नोज़ पे थोड़े डार्क स्पॉट्स है जो एक्ने के रह चुके हैं. एंड टॉकिंग अबाउट माई स्किन टेक्स्चर, तो मेरी स्किन भी प्लेन नहीं है, कैमरा में दिखती होगी, लेकिन मुझे भी थोड़े ओपन पोर्स है और एक्ने स्कार्स है. तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होंगी कि अगर मेरी 40-50% भी अगर मेरी स्किन इम्प्रूव हो जाती है केमिकल पील से, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी. तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगी. तो पहले चलो जाते हैं और अभी केमिकल पील करवा के आते हैं, आती रिजल्ट्स भी इसके आपको दिखाऊँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो. गाइज मैं केमिकल पील करवा के आ चुकी हूँ. तो जब मैं वहाँ पे गई उन्होंने मुझे बोला 2-3 टाइप के केमिकल पील्स होते हैं, जैसे एक होता है बेसिक केमिकल पील, एक होता है येलो केमिकल पील. तो वो मुझे बोल रहे थे कि येलो केमिकल पील शायद से आपको सूट ना हो बिकॉज माई स्किन इज़ एक्सट्रीम सेंसिटिव. तो आई डोंट नो कि मेरी स्किन उस येलो केमिकल पील पे कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आई डू अ बेसिक केमिकल पील. सो मैंने वो करवाया. सबसे पहले उन्होंने मेरी जो स्किन है वो अच्छे से क्लेंस की एक लोशन से, और उसके बाद उन्होंने ट्रांसपेरेंट कलर का लोशन था वो अप्लाई किया. तभी तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक सेकेंड लोशन अप्लाई किया दैट वॉज समथिंग ऑफ ऑरेंज एंड पिंक कलर, जो मुझे लाइक बोलते ना इतना इचिंग फील होने लगा, इतना जलने लगी स्किन, इतनी रेड हो गई थी. वो बस लोशन 5-10 minutes ही रखना था, बट मुझे उतना भी बेयर नहीं हो रहा था. और फिर वो 5-10 minutes के बाद उन्होंने फिर एक कूलिंग लोशन लगाया, लाइक एक ट्रांसपेरेंसी जेल थी जो थर्ड लोशन था वो लगाया, तब जाके मेरे जान में जान आई. वो 5 minutes मैंने कैसे निकाले मुझे ही पता है. लाइक जो थ्रू आउट द प्रोसेस है 5-10 minutes जो आपका वो पीलिंग प्रोसेस होता रहता है, तब बहुत ज़्यादा स्किन इरिटेट होती है, जलती है, फिर इचीनेस होती है, लेकिन वो टाइम के साथ कम कम होती जाती है. लाइक अभी भी मुझे यहाँ पे थोड़ी इचिंग हो रही है, थोड़ा टाइटनेस फील हो रहा है, और स्किन तो रेड हुई है,
बट अभी इतनी नहीं हो रही है। और जब मैं वहाँ से निकल रही थी, उन्होंने मेरे स्किन पे सनस्क्रीन अप्लाई की थी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि डायरेक्ट सन में नहीं जाना चाहिए। और मैं ये मास्क और स्कार्फ भी लेके गई थी, स्टिल उन्होंने सनस्क्रीन अप्लाई किया। फिर मैं 2 आवर्स के बाद अपना जो फेस है वो प्लेन वाटर से वॉश कर सकती हूँ। सोप यूज़ नहीं करना है, फेस वॉश कुछ यूज़ नहीं करना है, और उन्होंने सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र दिया है, वो बस अप्लाई करना है, कहीं नहीं जाना है, बस यही रूटीन फॉलो करना है। और अभी तक तो मुझे मेरी स्किन में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट ऑब्वियसली इतना जल्दी डिफरेंस नहीं दिखेगा। बट एक डिफरेंस मुझे दिख रहा है, जैसे कि मेरे वाइट हेड्स जो यहाँ पे थे ना, वो जो ऐसे पॉपअप होते हैं ना, वो थोड़े सेटल डाउन हो गए, वो थोड़े से ऐसे है ना बैठ गए हैं, लेकिन इतना वो भी पॉपअप नहीं हो रहा है। और बाकी स्किन जो है वो रेड हो गई है, एक अच्छी खासी रेड हो गई है, और मेरे को जल भी रही है, बट इतनी नहीं जल रही जितनी स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस में हो रही थी। बाकी के अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। हाय गाइस, तो कल मैंने 2 आवर्स के बाद फेस वॉश कर लिया था नॉर्मल वाटर से, और मुझे कल तो कुछ फील नहीं हो रहा था। आज ये नोज़ एरिया की यहाँ से थोड़ी स्किन निकल गई है, स्टार्ट हुई है। उसके अलावा कल रात से ही मेरी जो लिप्स है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई आउट हो चुके हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एजेस है लिप्स के वहाँ पे थोड़ा उनका जो सोल्यूशन है वो लग चुका है। इसके लिए ये ऐसा थोड़ा रैश टाइप आया है, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरा में, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मेरे पूरे फेस पे ना वो छोटे छोटे ऐसे बॉयल्स होते हैं ना जो समर्स में आते हैं, वैसे आ चुका है। लाइक स्किन अच्छी ट्रांसफॉर्म होने के बदले बुरी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो मुझे डर लग रहा है। आई डोंट नो कि ये मुझे सूट हुआ है कि नहीं हुआ है केमिकल पील, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरा में, कल तक ये कुछ भी ये बॉयल्स हैं ना, छोटे 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 बॉयल्स पूरे फेस पे आए हैं, कल तक ये कुछ भी नहीं था, नथिंग, ये कुछ भी नहीं था। आज अचानक से ये पूरे सारे छोटे छोटे बॉयल्स आ गए, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आई होप सो कि 6 डे तक ये हील हो जाए, होपिंग फॉर द बेस्ट। लेट्स सी, टुडे इज़ द 3rd डे आफ्टर माय स्किन पील, सो वो जो कल बॉयल्स दिख रहे थे वो आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बट द वन पॉजिटिव चेंज विच आई कैन सी इन माई स्किन इज कि जो पिगमेंटेशन थी वो बहुत ज़्यादा लाइट हो चुकी है। और कल ही मैंने डॉक्टर को कॉल किया था कि ये जो बॉयल्स है ये और ही बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि योर स्किन इज़ टू सेंसिटिव, तो माइट बी कि स्किन पील नहीं होगी, उसके बदले ये बॉयल्स आए हैं। ये 2 to 3 days का डाउन टाइम है, बट ये 6 डे तक नॉर्मल हो जाए, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट अप्लाई सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर। तो अभी बॉयल्स तो है, और यहाँ पे जो पिगमेंट था वो भी कम हो गया है, यहाँ से भी थोड़ा पिगमेंटेशन कम हो चुका है, और ओवरऑल स्किन ब्राइट लग रही है। लेट्स सी क्या आता है। गाइस, तो टुडे इज़ द 4th डे आफ्टर डूइंग माय केमिकल पील, तो वो जो बॉयल्स थे वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो चुके हैं, एंड आई कैन सी अ ब्राइट स्किन ओवर हियर एंड हियर, और मेरा स्किन टेक्स्चर भी 20% इम्प्रूव हो चुका है। अगर ये जो बॉयल्स हैं वो कम्प्लीटली चले जाए, तो मेरे जो ओपन पोर्स थे और जो एक्ने स्कार्स थे वो ऑलमोस्ट कम हो चुके हैं, एंड थोड़ा सा ग्लो भी आया है। तो गाइस, मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि मेरी जो स्किन है वो इम्प्रूव कर रही है, बट बस एक ही डाउन साइड है कि मैं 6 दिन कहीं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, और मुझे घर पे बैठ के बहुत बोर आ रहा है, क्योंकि मैं एक आउटगोइंग पर्सन हूँ, मुझे बाहर जाना, लोगों से मिलना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट इसका भी एक प्रो है घर पर बैठने का, कि मैं अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बिंज वॉच कर रही हूँ एक के ड्रामा, एंड दैट इज़ ट्रू ब्यूटी, and I can't express my love for that, it has all my heart. Guys, तो आज मुझे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रही है और बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है, जितनी भी टैनिंग थी वो सारी गई, और टैनिंग के अलावा जैसे अनइवन स्किन टोन था वो भी चला गया, पूरी आज मुझे मेरी स्किन इवन लग रही है। बॉयल्स जो आए थे वो केमिकल पील के रिएक्शन के जैसे,
वो पूरे चले गए, बस यहाँ पे स्किन थोड़ी सी रेड है। और विंटर्स में जैसे हमारे थोड़ी नहीं फ्लेकी फ्लेकी सी स्किन निकलती है, बस उतनी ही पीलिंग हुई है और वो थोड़ा सा वो निकलना बाकी है। थोड़ी सी स्किन वो थोड़ी वैसी पील हो रही है। और यहाँ पे नोज़ एरिया है ना, वहाँ पे ज़्यादा पीलिंग हुई थी मेरी, लाइक ऐसे जो पील था पूरा निकला था एक दिन, और थोड़ा सा शायद से उनका जो पील था वो यहाँ पे लिप्स पे भी लगा था। इस एरिया में ज़्यादा लगा था और इस एरिया में भी लगा था, इसलिए लिप्स भी मुझे ब्राइट लग रही। लाइक अभी मैंने मेरे लिप्स पे कुछ भी नहीं लगाया है, लाइक नथिंग अभी मुझे, और थोड़े ड्राई हो चुके हैं बट मैंने कुछ भी नहीं लगाया लिप्स पे, सी कुछ भी नहीं लगाया। और लिटरली पिंक लिप्स भी थोड़े लाइट हो चुके हैं, नहीं तो मेरे लिप्स इतने लाइट नहीं है, इट्स लिटिल बिट डार्कर देन दिस। बट येस, वो पील के वजह से थोड़ा वो यहाँ पे लग गया था गलती से, तो लिप्स भी ब्राइट हो चुके हैं एंड ओवरऑल स्किन भी बहुत अच्छी हो चुकी है। और टेक्सचर भी अगर आप देखोगे तो मेरे ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। आज मुझे अपनी बेयर स्किन दिखानी थी आपको बिफोर अप्लाइंग द सनस्क्रीन। तो अभी तक मैंने सनस्क्रीन अप्लाई नहीं की है जो मुझे करनी चाहिए। डॉक्टर ने मुझे सनस्क्रीन दी है वो आज मैं नहीं लगाऊंगी, जो मेरी डेली यूज़ वाली सनस्क्रीन है जो मैं लगाती हूँ न्यूट्रीजिना की, जो स्टिक सनस्क्रीन, वो मैं आज लगाऊंगी। गाइस, तो आज मेरे केमिकल प्री प्रोसेस का लास्ट डे है, लाइक द सिक्स डे। आई एम वेरी मच हैप्पी क्योंकि स्किन पूरी तरह से हील हो चुकी है एंड आई कांट बिलीव द रिजल्ट्स कि मेरी जो पिगमेंटेशन थी वो कम हो चुकी है, लिटरली इट्स गॉन। एंड जो मेरा स्किन टेक्सचर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, लाइक जो मेरे ओपन पोर्स थे, एक्ने स्कार्स थे, वो 40-50% कम हो चुके हैं, इट हैज़ वैनिश्ड। और स्किन भी बहुत ज़्यादा इवन लग रही है और वाइटर्स जो छोटे छोटे थे वो भी लिटरली दे आर गॉन एंड आई एम हैप्पी विद द प्रोसेस। इस डे का प्रोसेस है ये करके मुझे एक चीज़ पता चली है कि मुझे मेरी स्किन को अभी और ज़्यादा पैम्पर करना चाहिए और धूप में नहीं जाना चाहिए। और ये जो सिक्स डेज थे ना, येस देर वॉज सम हार्ड टाइम्स, लाइक मुझे इचिनेस हो रही थी, इरीटेट हो रहा था, वॉर्म्थ फील हो रहा था और वो जो बॉयल्स आए थे ना तब तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। बट नाउ आई एम हैप्पी विथ माई दिस केमिकल पील प्रोसेस एंड माई स्किन इज लिटरली ग्लोइंग, आई कॉन्ट बिलीव द रिजल्ट, लाइक आई लव दिस। बट मैं सोचूँ कि मुझे ये लाइफ में और एक बार कराना है तो फिर मुझे वो भी माइंड में रखना पड़ेगा कि सिक्स डेज मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा। एंड ये प्रोसेस जब मैंने जब कराया तो मुझे एक समझा कि लाइक सीजन टू डू दिस इज़ रेनी सीजन, बिकॉज रेनी सीजन में वैसे भी हम कहीं बाहर नहीं जाते और बाहर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट बोलते हैं ना कूल होता है। अगर समर में आप करवा रहे हो तो बाहर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीटअप रहता है, ह्यूमिड रहता है, तो आपकी स्किन को वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा होता है। अगर आप वो केमिकल पील करवा के आ रहे हो तो और इरिटेट करेगा। और विंटर्स में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और जब वो पीलिंग होती रहेगी तो माइट भी आप उसके साथ अडाप्ट ना कर पाओ। तो रेनी सीजन इज़ द बेस्ट सीजन अकॉर्डिंग टू मी, लाइक अभी मैंने भी ये समर्स में करवाया है तो मुझे वो ऐसा हीट फील हो रहा था, इसके लिए आई एम सजेस्टिंग टू डू इट ऑन रेनी डेज। बट इट वॉज लाइक गुड प्रोसेस, बट नेक्स्ट टाइम मैं करवाने से पहले ज़रूर सोचूंगी और माइट भी नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा मुझे ट्रीटमेंट करवाना हो तो आई गो विद हाइड्रा फेशियल्स, बिकॉज मैंने वो भी कभी नहीं करवाया। बट येस, आई एम हैप्पी विद दी केमिकल प्रोसेस एंड दिस सिक्स डेज वर लाइक रेस्ट पीरियड, हॉलीडे पीरियड फॉर माई स्किन एंड आई जस्ट लव डेट, लाइक मेरी स्किन लिटरली इज ब्राइट, मोर ब्राइटर एंड ग्लोइंग एंड आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये जो प्रोसेस है केमिकल पील का कैसे लगा एंड विल यू गाइज डू इट इन योर फ्यूचर इन योर लाइफ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय, टू डे।